नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र और उस टॉपिक के बारे में जिस पर हम लगातार आपको पिछले 2 महीनों से अपडेट देते आ रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम परमवीर सिंह के केस के बारे में कि परमवीर सिंह के ऊपर जो जाँच बिठाई गई थी उद्धव ठाकरे की तरफ से, यानी कि DGP संजय पांडे को ये सारी जिम्मेदारी दी गई थी कि परमवीर सिंह के जितने भी पुराने केस हैं उनके ऊपर तहकीकात की जाए और परमवीर सिंह को किसी ना किसी तरीके से सताया जाए। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक बड़ा झटका लग गया है उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे जो चीज़ें करना चाहते थे अब महाराष्ट्र के DGP संजय पांडे ने मना कर दिया है कि अब वो परमवीर सिंह की तहकीकात नहीं करेंगे। जो दबाव, जो चीज़ें बनाई जा रही थी परमवीर सिंह के ऊपर और जो जाँच बिठाई जा रही थी, अब उस जाँच को करने से मना कर दिया है महाराष्ट्र के DGP संजय पांडे ने। तो यहाँ पर एक बड़ा सा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है हमें उद्धव ठाकरे को। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही, ज्यादा दिन की बात नहीं है, और परमवीर सिंह ने जो बड़ा खुलासा किया था, और परमवीर सिंह ने कहा था कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हो चुके हैं अब अनिल देशमुख, और अनिल देशमुख, सचिन वाजे और उसी की तरह तमाम और जो ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट दिया करते थे महाराष्ट्र की तरफ से कि 100-100 करोड़ रुपए की वसूली किस तरीके से करनी है। पहली बात यह थी कि शुरुआत में अनिल देशमुख की तरफ से ये बातों को नकारा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि ये बातें सच्ची नहीं है, पर हाईकोर्ट ने इन सारी चीजों को लेकर संज्ञान लेते हुए CBI की जांच बिठा दी ये अनिल देशमुख के ऊपर। और उसके बाद जिस तरीके से BJP की तरफ से दबाव बनाया गया अनिल देशमुख के ऊपर, और जनता का भी यही कहना था कि अगर किसी वहां के गृह मंत्री के ऊपर इस तरीके के, या फिर किसी भी नेता के ऊपर अगर इस तरीके के अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो नैतिकता के नाम पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और उसके बाद अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे तो दिया, पर उसके बाद उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि इन्हीं मुश्किलों को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे की तरफ से अब ये चीज़ें चलाई गई थी कि परमवीर सिंह ने जो ये बड़े बड़े खुलासे किए और जो चिट्ठी सौंपी गई थी, इसमें जो अब सरकार का भांडाफोड़ निकलकर सामने आ गया था, तो परमवीर सिंह को भी सरकार की तरफ से फंसाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर अब सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी हाथ लगती नजर आ रही है उद्धव ठाकरे के। जाहिर सी बात है कि अब उद्धव ठाकरे को कोई नया ऑफिसर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि संजय पांडे को चूस इसीलिए किया गया था उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से, यह भी हम आपको बता दें। क्योंकि संजय पांडे हों या फिर परमवीर सिंह, ये दोनों ही काफी ज्यादा पुराने हैं महाराष्ट्र की पुलिस में, और इन दोनों में आपस में तकरार भी थी, और दोनों एक दूसरे से इन दोनों की बनती भी नहीं थी। और इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठाकर उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से, यानी कि उद्धव ठाकरे ने जानबूझकर संजय पांडे को नियुक्त किया और संजय पांडे को यह जिम्मेदारी दी गई कि अब तुम्हें परमवीर सिंह के ऊपर जितने भी उनके पुराने मामले हैं, करप्शन है, जो भी तमाम केसेस थे, अब वो परमवीर सिंह के निकाल के उनके ऊपर तहकीकात करनी है। पर आपको संजय पांडे को लेकर भी एक बड़ी बात बता दें कि अभी से 2 दिन पहले की बात है जब परमवीर सिंह ने CBI के लिए एक चिट्ठी लिखी, और जिसमें परमवीर सिंह का कहना था कि संजय पांडे जो कि तहकीकात कर रहे हैं, जो उनके परमवीर सिंह के जितने भी केस हैं उनकी जाँच कर रहे हैं, तो यहाँ पर संजय पांडे की तरफ से भी परमवीर सिंह से सेटलमेंट करने की बात की गई। और यहाँ पर परमवीर सिंह की तरफ से जो चिट्ठी CBI के लिए दी गई है उसमें भी उन्होंने कहा था कि संजय पांडे की तरफ से मुझसे कहा गया है कि जो भी आरोप तुमने अनिल देशमुख के ऊपर लगाए हैं उन आरोपों को वापस ले लो, जो तुम्हारे ऊपर जाँच हो रही है ये सारी जाँचें बंद हो जाएगी। और उसके बाद संजय पांडे ने मुझसे ये भी कहा, यानी कि परमवीर सिंह से ये भी कहा कि हम जो प्रशासन है उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते, अगर आप तुम सच भी हो तो फिर भी तुम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, तो फायदा तुम्हारा इसी में है कि तुम अपने पैर पीछे हटाओ और ये बोल दो कि एक लड़ाई हो गई थी और गुस्से में मैंने ये चिट्ठी अनिल देशमुख को लेकर लिखी और ऐसी कोई भी बात सत्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ महाराष्ट्र सरकार के बड़े बड़े घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं घोटालों पर पट्टी डालने के लिए एक के बाद एक नया ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है कि कोई ना कोई इंक्वायरी निकाली जाए जिससे परमवीर सिंह को फंसाया जा सके। परमवीर सिंह भी इन सारी चीज़ों को लेकर हाईकोर्ट गए थे, और उनका कहना था कि मेरे ऊपर जो जांच बिठाई जा रही है ये मेरे सारी चीज़ों को दबाने के लिए मेरे ऊपर जांच बिठाई जा रही है, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य होती उस बात से नज़र आती है जो अभी परमवीर सिंह की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ संजय पांडे भी इस बात को मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके की कुरीतियाँ सरकार की तरफ से अपनाई जा रही हैं, सरकार जिस तरीके
की चीजें कर रही है उसके खिलाफ कोई भी आईपीएस अधिकारी हो या फिर उससे भी बड़ा कोई अधिकारी हो इस प्रशासन के खिलाफ नहीं लड़ सकता। और इसीलिए सेटलमेंट करने की कोशिश की जा रही थी संजय पांडे की तरफ से परमवीर सिंह के साथ, पर अब संजय पांडे ने भी मना कर दिया है कि अब वो जांच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है कि अब उद्धव ठाकरे को कोई और पुलिस प्रशासन में से कोई और व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो परमवीर सिंह के ऊपर इन सारी चीजों को लेकर जांच बिठा सके। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं कि महाराष्ट्र में तमाम बड़े बड़े केसेस और खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं और ये सरकार है कि उन्हें एक के बाद एक ढकती हुई नजर आती है। अगर हम सचिन वाजे की बात करें तो सचिन वाजे को लेकर जिस तरीके से शुरुआत में शिवसेना की तरफ से उसे बचाने की कोशिश की गई और उसके लिए बैटिंग करते हुए सबसे पहले नजर आए थे शिवसेना के नेता, यानी कि सबसे बड़े नेता जो अपने आप को कहते हैं और उनका नाम है संजय राउत। संजय राउत की तरफ से शुरुआत में काफी ज्यादा बैटिंग की गई थी, पहले की गई थी सचिन वाजे के लिए कि सचिन वाजे को लेकर इस तरीके के आरोप लगाना ठीक नहीं है और सचिन वाजे काफी ज्यादा हद तक अच्छा ऑफिसर है। और उसके बाद जैसे जैसे डोरी खुलती गई और चीजें निकलकर सामने आती गई और उसमें नाम निकलकर सामने ये भी आया कि महाराष्ट्र के जो पहले गृह मंत्री थे, यानी कि अब तो पूर्व हो चुके हैं और गृह मंत्री ही अगर इस तरीके की 100-100 करोड़ रुपए की चीजें लोगों को वसूलने के लिए दे रहे हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि आज जो हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, महाराष्ट्र में जनता कोरोना की तरफ से और तमाम और ऐसे मुद्दे हैं जिनकी तरफ से त्राहिमाम मचा रही है, पर इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ पैसे अपने जेब में भरने से मतलब है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर काफी सारे सवाल इस सरकार को उठाए जाने लगे। और अगर हम बात करें आज अनिल देशमुख की, अनिल देशमुख को लेकर अभी सीबीआई की तरफ से जो प्रारंभिक जांच थी वो शुरुआत हो चुकी थी और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है अनिल देशमुख के ऊपर। एक तरफ अनिल देशमुख की प्रॉब्लम है बढ़ती हुई नजर आ रही है तो दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र की जनता है उसकी तरफ से सवाल उठ रहा है अब उद्धव ठाकरे को लेकर कि आखिरकार उद्धव ठाकरे इन सारी चीजों को लेकर कुछ भी कह क्यों नहीं रहे हैं और सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। एक के बाद एक सरकार में इसमें खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और ये सरकार है कि कुछ भी चीजें निकलकर सामने नहीं रख रही है। अब हम बात करते हैं और भी चीजों को लेकर कि जो भी चीजें अभी सरकार की तरफ से जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो एक एंकर हो, एक्टर हो या फिर कोई आईपीएस ऑफिसर हो, उसको हमेशा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दबाने की कोशिश की जाती है। चाहे फिर वो जितने भी बड़े बड़े इनके यहाँ से करप्शन होते हैं इसको लेकर अगर कोई भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो ये उसी को जेल में डालने का काम करते हैं। साफ एग्जाम्पल आपके सामने है कि परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखकर जब सरकार के करप्शनों को लेकर एक के बाद एक बड़ा खुलासा कर दिया तो परमवीर सिंह के दुश्मन, यानी कि जिन दो लोगों की आपस में नहीं बनती उनकी आपस में ही साठगांठ नहीं थी, इसीलिए इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठाकर संजय पांडे यानी कि महाराष्ट्र के डीजीपी को जांच पर लगा देना और उसके बाद डीजीपी का खुद ही हट जाना। तो आप ये वाली बात भी समझ सकते हैं कि परमवीर सिंह के पास कई ऐसे राज हैं सरकार को लेकर और इसीलिए बार बार परमवीर सिंह जो भी जांच पर जाता है वहीं से बच कर निकल जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी परमवीर सिंह के पास जाने की कोशिश कर रहा है उसे पता है कि शायद परमवीर सिंह के पास मेरे भी राज है, इसीलिए वो उनको लेकर खुलासे नहीं कर रहा है। ये हमारी तरफ से नहीं कह रहा है बल्कि महाराष्ट्र की जनता है, उनकी तरफ से भी यही कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे इस जांच से पीछे क्यों हट गए, ऐसी कौन सी चीजें हैं, या फिर तो उनके हाथ सत्य लग गया है कि परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो सत्य हैं, या फिर दो बातें हो सकती हैं कि संजय पांडे के खिलाफ भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमवीर सिंह के पास हैं और इसीलिए वो जानबूझकर इस केस में हाथ नहीं डालना चाहते। ये तो हो गई एक आईपीएस ऑफिसर की बात। अगर हम एक एंकर की बात करें, एक न्यूज चैनल की बात करें और या फिर एक एक्टर की बात करें जो इस सरकार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने की जिन लोगों ने कोशिश की उस आवाज को हमेशा इस सरकार की तरफ से दबा दिया गया। आपको पता ही होगा वो चीजें ज्यादा पुरानी नहीं हुई हैं, 2020 में ही चीजें शुरू हुई थी कि जब अर्णब गोस्वामी ने इस सरकार के खिलाफ चीजों को उठाना शुरू किया था तो अर्णब गोस्वामी के भी पुराने केसों को निकाल कर उन्हें जेल में डालने की कोशिश इस सरकार की तरफ से की गई और उन्हें मारने की कोशिश भी इसी सरकार की तरफ से की गई, क्योंकि एनसीपी के नेता नवाब मलिक की तरफ से भी ये बयान था कि हम
इस तरीके के हालात अर्णव गोस्वामी के सामने कर देंगे कि वो आगे चलकर उसे आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि कंगना रनौत को भी लेकर तमाम तरीके की बातें सरकार की तरफ से की गई। तो बात साफ है कि सरकार में काफ़ी ज़्यादा घोटाले हैं और घोटालों को लेकर कोई भी अगर सामने आने की कोशिश करता है तो ये सरकार उसी को रास्ते से हटाने की कोशिश करती है और उसी के खिलाफ इतने ज़्यादा केस खोलकर रख देती है कि वो व्यक्ति आपस में उलझ जाता है। और यहाँ पर अगर हम परमवीर सिंह की बात करें तो परमवीर सिंह कोई दूध के धुले नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, पर यहाँ पर यह भी बात है कि परमवीर सिंह इन्हीं में से एक हैं और इनकी चालों को अच्छी तरीके से जानते हैं और इसीलिए वो एक एक करके इस सारी सरकार का खुलासा कर रहे हैं। और भी ज़्यादा देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।